हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल यूर डूइंग वेल। आप सब लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे 11 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स को, जो कि आप लोगों के आने वाले ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर पेपर देने जाएँ तो उसमें करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो दोस्तों, 11 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स होंगे ये। और दोस्तों, अन अकेडमी पर भी मैं एक एजुकेटर हूँ, तो अन अकेडमी पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं कवर कर रहा हूँ, तो दोस्तों जो कि आप लोगों के आने वाले वीडियो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं इन्हीं वीडियोज़ से क्वेश्चन पूछूंगा लैब क्लास में, ठीक है। आज हमारी लैब क्लास होगी नंबर 101। दोस्तों, यूट्यूब की सबसे सफल क्लास वीडियो एग्जामिनेशन के लिए हमारी ही है, लगातार 100 क्लास हो चुके हैं। और दोस्तों, ये बुक अब मेरे पास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का MCQs है ये, भगवती का है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी, तो अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका PDF मिल जाएगा आप लोगों को, और इस बुक को भी मैं कवर करूँगा। पूरे पूरे क्वेश्चन मुझे आपके दिमाग में बिठाने हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि रूस और किस देश के 3 लाख सैनिकों के बीच रूस द्वारा अब तक के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये चाइना, ठीक है, रूस और चाइना के साथ में, तो याद रखिए रूस और चाइना। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा देश पूरे महाराष्ट्र में होने वाले पहले बिम्सटेक सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये देश है नेपाल, ठीक है, नेपाल इसमें शामिल नहीं होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बिम्सटेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1997 में, ठीक। और बिम्सटेक में कुल मिलाकर के 7 देश हैं, ठीक है, कितने देश हैं, 7 देश बिम्सटेक में है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 3 साल के प्रबंध निर्देशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो दोस्तों, ये बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में US ओपन टेनिस 2018 में पुरुषों का एकल का फाइनल किसने जीता। तो दोस्तों, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, तो याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं आप लोग कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं अगर आता हो तो। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1076 लॉन्च किया, ठीक है, 1076 लॉन्च किया, किसने किया, ये दोस्तों दिल्ली सरकार ने किया है, तो याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। दोस्तों, ये की है ICICI बैंक ने, ठीक, किस बैंक ने की है, ICICI बैंक ने की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 23वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRGC-TAC की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये की जाएगी मॉस्को में, ठीक है, कहाँ पर की जाएगी, मॉस्को में की जाएगी, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सड़क दुर्घटना पर मानकों और सटीक डेटा प्रबंधन प्रणाली RADMS का उपयोग करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों, ये बन गया है जम्मू कश्मीर, ठीक है, कौन सा राज्य बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में IAAF कॉन्टिनेंटल कप में ट्रिपल जंप स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो दोस्तों, ये बने हैं अरपिंदर सिंह, ठीक है, कौन बने हैं, अरपिंदर सिंह बने हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने दोस्तों कांस्य मेडल जीता, ठीक है, कांस्य पदक जीता, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में US ओपन टेनिस 2018 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। ये जो होता है दोस्तों, नाओमी ओसाक ने, ठीक है, नाओमी ओसाक कहाँ से हैं, ये दोस्तों जापान से हैं, ठीक, कहाँ से, जापान से हैं, तो याद रखिए। इन्होंने फाइनल में सेरेना विलियम्स को हराया। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, ठीक, जो कि आप लोग जानते हैं मैं काफ़ी तेज़ी से करा देता हूँ, और ये शाम को लाइव क्लास में डिस्कस भी किए जाएंगे, ठीक, तो अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों के वीडियो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे करंट अफेयर्स का। टॉप 10 कराता हूँ, इस बुक का PDF जिसको भी चाहिए वो मुझे इस नंबर पर अपने नाम और कहाँ रहते हैं ये लिख करके मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आप लोगों को PDF का डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है, कैसे मिलेगी आप लोगों को। और दोस्तों, अन अकेडमी पर ये सारे कोर्सेस आ गए हैं, और जल्द ही आज लगभग शाम तक मैं 1000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज है UP SSC की वो भी स्टार्ट कर दूंगा अन अकेडमी पर, तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले वीडियो एग्जामिनेशन से संबंधित, ठीक है, सारे प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, आज फिर मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों, हाँ, अन अकेडमी पर हिंदी के ट्रिक्स वाली वीडियो आ जाएगी, पार्ट नंबर 13, ठीक है, पार्ट नंबर 13 आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा और इन 5 वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे, शाम को तैयार रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर,
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।